तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS Digitals में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो PM किसान सम्मान निधि के लिए मध्य प्रदेश में या और भी स्टेट में आवेदन बंद कर दिए गए थे, जो नए आवेदन नहीं हो रहे थे, उसे फिर से चालू कर दिया गया है। आज आपको हम यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, पुराने पोर्टल में जैसे आप अप्लाई करते थे उससे थोड़ा सा हटके इस बार आपको अप्लाई करना है। तो चलिए किस तरह से अप्लाई करेंगे वो सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक चीज़ और है, वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि कितने KB में आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, साथ ही आपको किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ फिल करना है, ग्रामीण के लिए और अर्बन के लिए, शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किसके लिए आपको कैसा फिल करना है फॉर्म। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पर सर्च करना है आपको PM किसान। जैसे ही आप PM किसान लिखकर सर्च करेंगे, ये देखिए इस तरह से आपको लिखना है और सर्च कर लेना है। आप सबसे पहले आपके सामने ये pmkisan.gov.in की वेबसाइट आएगी, PM किसान इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए इसका मेन पेज हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा वेबसाइट का PM किसान सम्मान निधि का। तो इसमें आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जब आप जाएंगे राइट साइड में आप देखेंगे, ये देखिए राइट साइड में फार्मर कॉर्नर दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन आएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, पहला ऑप्शन दिखाई देगा रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और दूसरा देगा अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रामीण वालों के लिए है और अर्बन जो है वो शहरी क्षेत्र के लिए है। तो चलिए करके दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले यहाँ पे आप आधार नंबर लिखेंगे, जिनका आपको रजिस्ट्रेशन करना है उनका आधार नंबर लिखना है यहाँ पर आपको, जिनके नाम से जमीन है। यदि आप इसमें एक ज़मीन पे 5 खातेदार हैं तो आप भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप इसकी शर्तों को पूरा करते हैं तो। यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई करें, नहीं तो आपको जुर्माना भी लग सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले इसके नियम शर्तें पढ़ लीजिएगा। चलिए ये हमने फिल कर दिया, यहाँ पर आप देखिए इमेज कोड डाल रहे हैं हम। इमेज कोड डालने के बाद सेंड OTP पर हम क्लिक करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये हमने जैसा लिखा सेम वैसे कैप्चा कोड लिखना है आपको, गलती नहीं करना है। यहाँ हमने के छोड़ दिया तो हम वापस लिखेंगे के। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये सेम टू सेम मिला लेंगे एक बार कि सेम लिखा है कि नहीं लिखा है। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, उसका सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, जैसे हम करके दिखा रहे हैं इस तरह से। चलिए क्लिक करेंगे सेंड OTP पर। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे थोड़ा देर समय लगेगा क्योंकि वेबसाइट थोड़ा स्लो है अभी। और इसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपके जो रजिस्टर्ड आपने जो मोबाइल नंबर इसमें किया है अभी दिया है जो नंबर आपने, उस पर आपको एक OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये देखिए ये OTP सेंड हो गया है, यहाँ पर लिखा आ रहा है OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, मतलब हमने जो यहाँ पर नंबर दिया उस नंबर पर OTP आ गया है। अब वो OTP हम यहाँ पर फिल करेंगे, तो चलिए चेक करेंगे पहले OTP आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो रीसेंट OTP का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम इसे रीसेंट कर लेंगे OTP और फिर से यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए अब OTP हम यहाँ पर फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद देखिए आप नीचे कैप्चा कोड दिखाई देगा, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर लेना है इमेज कोड पर। और यहाँ फिल करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है, तो हम यहाँ पर पहले कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं फिर फॉर्म को सबमिट करेंगे। चलिए फॉर्म पर सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको स्टेट दिखाई देगा, आपको डिस्ट्रिक्ट टाउन और आपका जो वार्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है आप जहाँ रहते हैं उस एरिए में। यदि आप अर्बन के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये, तो यहाँ पर आपको अर्बन का डिटेल देना है, आप जहाँ पर अर्बन में रहते हैं यहाँ से आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे आपको तहसील सिलेक्ट कर लेनी है आपकी, जो भी आपकी तहसील है। इसके बाद आपको आपका यहाँ पे वार्ड, जो भी आपका वार्ड नंबर है वो वार्ड नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। चलिए ये आपने वार्ड सेलेक्ट कर लिया, अब नीचे की तरफ जाएंगे हम। यहाँ पर फॉर्मर का जो पर्सनल डिटेल होता है वो आपको फिल करना होगा। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको फॉर्मर नेम, उसके बाद यहाँ पर जेंडर, उसके बाद कैटेगरी, यदि SC ST है तो नीचे, नहीं तो OBC और जनरल के लिए फर्स्ट वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम OBC के लिए करेंगे। इसका देखिए फार्मर टाइप स्मॉल है या अदर है, जैसे इसमें दिखा रहा है कितना हेक्टेयर, देखिए इस हेक्टेयर के अंदर यदि आपकी ज़मीन है तो आपको यस कर देना स्मॉल के लिए और नहीं तो अदर में कर देना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर ID बोलेगा, तो आधार कार्ड पर आपको यहाँ पर टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर IFSC कोड, बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल फिल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका जो बैंक IFSC कोड है वो फिल करना है आपको। जैसे आप फिल करेंगे बैंक का नाम वहाँ सर्च करने के लिए आपको वहाँ खुद दिया जाएगा। चलिए ये हम एक IFSC कोड यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं। जैसे हम IFSC कोड फिल करेंगे देखिए बैंक का नाम यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। चलिए करके दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए अब यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया। अब हम यहाँ सेलेक्ट पर जाएंगे तो ये देखिए बैंक दिखा दिया आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको आपका जो अकाउंट नंबर है बैंक में वो यहाँ पर फिल कर देना है, आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिखाएगा क्योंकि आपने पहले से कर लिया है। इसके बाद देखिए आप नीचे में आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस फिल करने के लिए कहेगा, तो आपको उस एड्रेस को फिल करना है।
तो चलिए एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पे आपका जो एड्रेस आधार कार्ड में है वही एड्रेस आपको देना है, दूसरा कोई भी एड्रेस नहीं देना है आपको। तो चलिए यहाँ पर हमने एड्रेस फिल कर लेंगे। अब देखिए एड्रेस फिल कर लिया हमने, इसके बाद देखिए आप नीचे की तरफ में आप देखेंगे तो पिन कोड मांगेगा आपसे, तो आपका जो एरिया का पोस्टल कोड होता है पिन कोड वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद देखिए आपको फादर्स नेम या हस्बैंड नेम मांगेगा, यदि आपके पास फादर नेम है तो वो भरें, मदर नेम है तो मदर नेम, या हस्बैंड नेम भरना चाहते हैं तो हस्बैंड नेम भर सकते हैं आप। तो आपके आधार में जो नाम होगा वही आप फिल करेंगे, यदि आधार में फादर नेम है तो फादर नेम, हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड नेम, आपको ये फिल कर देना है। इसके बाद देखिए लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, ये आपको फिल करना है, ये आपकी जो नया खसरा होगा उसमें दी रहेगी, यदि नहीं है तो आप पावती हैं पावती से फिल कर सकते हैं, आपका पावती में जो लैंड रजिस्ट्रेशन जो है आपका, आपका खसरा नंबर को भी आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे, यदि आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो आप खसरा नंबर यहाँ से फिल कर दें। इसके बाद आपको नीचे की तरफ में देखिए आपका राशन कार्ड जो नंबर है वो मांगेगा, तो यहाँ पर आप या तो समग्र आईडी फिल कर सकते हैं आपका फैमिली आईडी नंबर समग्र आईडी का, क्योंकि वही आपका राशन कार्ड नंबर होता है, कई लोगों को ये पता नहीं है कि आपका जो अभी के समय में राशन कार्ड नंबर है वो आपका फैमिली आईडी है समग्र आईडी का। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जैसा आधार में वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद देखिए जब आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे आपको यहाँ पर सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा ब्लू कलर से, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए यस आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको ये दिखाई देना चाहिए तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको दोबारा आपको डिटेल चेक करनी है कि आपका आधार से मैच किया। इसका देखिए सिंगल और ज्वाइंट दिखाएगा खाता, तो आपको सिंगल और ज्वाइंट सेलेक्ट कर लेना है, यदि ज्वाइंट खाता तो ज्वाइंट करेंगे सिंगल सिंगल। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे, आपको जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपको खसरा सर्वे नंबर खाता नंबर और आपका जो कितना आपका लैंड है एकड़ में है जो भी वो आपको यहाँ पर फिल करने के लिए कहेगा। सबसे पहले आपको सर्वे खाता नंबर ये आपके पावती में लिखा होता है इसे आपको फिल कर देना है, यहाँ आप पावती से अपना जो सर्वे नंबर है वो फिल कर लेंगे खाता नंबर। इसके बाद आपको आपका खसरा नंबर फिल करना है, खसरा नंबर फिल कर लेंगे आप यहाँ पर जो भी आपका खसरा नंबर है। खसरा नंबर के बाद देखिए आपको एरिया, जो एरिया आपका हेक्टेयर में जो भी एरिया है वो आपको पावती या खसरा में दिखाई देता है वही सेम टू सेम आपको यहाँ फिल करना है, ऐड कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे ये देखिए ऊपर के साइड में आपका ये खसरा का डिटेल ऐड हो जाएगा, यदि गलत है तो डिलीट करके दोबारा कर सकते हैं आप। चलिए अब इसके बाद देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बोलेगा, सबसे पहले आपको लैंड का जो रिकॉर्ड है वो या तो आप पावती या खसरा वो अपलोड करना होगा आपको, सेकेंड में आपको आधार मांगा है आधार कार्ड देना होगा और थर्ड में आपको बैंक पासबुक अपलोड करनी होगी। तो चलिए ये हमने तीनों चीज़ यहाँ पर अपलोड कर दी है, अब हम क्या करेंगे नीचे देखिए आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, चेकबॉक्स में आपको टिक करना है, ये देखिए यहाँ पर ये जैसे हम टिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, चलिए हम करने से पहले आपको यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाला हुआ है उसे ओपन कर लेंगे क्लिक करके, और उसे देखेंगे हम कि उसमें क्या सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसको पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। ये देखिए ये डिक्लेरेशन ओपन होने वाली है, जैसे हमने क्लिक किया है तो ये देखिए ये डिक्लेरेशन आ गई, यहाँ पे आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ओके करके और फिर आपको सेव पर क्लिक करना है। चलिए ये हम ओके कर देंगे यहाँ पर अब डिक्लेरेशन को और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब आपको एक ऐसा मैसेज आएगा कि जो लैंड फाइल है वो आपका 100 KB होना चाहिए, तो आपको क्या करना है यहाँ पर जितनी भी फाइल है हम आपको बता दे रहे हैं किस साइज़ में आपको यहाँ पर अपलोड करना है, इसे हम पहले ओके कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो लैंड जो फाइल है लैंड का जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ये 100 KB में होना, आपका आधार कार्ड जो है वो यहाँ पर 50 KB में होना चाहिए और बैंक पासबुक भी आपका यहाँ पर 50 KB में होना चाहिए, तभी आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, बिना उसके या इससे अधिक KB में बिल्कुल भी ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। यहाँ पर साफ ये डॉक्यूमेंट के लिए बताया गया है कि लैंड आपका 100 KB से ऊपर या सॉरी 100 KB से अंदर, आपका यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो 50 KB के अंदर और आपका बैंक का जो पासबुक है वो भी 50 KB के अंदर होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए तभी आप इसे अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए हमने ये सारा KB में चेंज कर लिया और अब हम यहाँ पे अपलोड कर दिया है, इसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे अब हम सेव पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव पर आप क्लिक करेंगे ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा योर जो आपका जो फॉर्म है वो स्टेट टीम को भेज दिया गया है अप्रूवल के लिए, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो आपका एक रेफरेंस नंबर होगा, आपका आइडेंटिटी प्रूफ रेफरेंस नंबर जो है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, ये पोर्टल स्टार्ट हो गया, हमें उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।